हेलो बच्चों, वेलकम टू द चैप्टर हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन। इन द प्रीवियस लेक्चर वी हैव स्पोकन अबाउट मेंडल्स डायहाइब्रिड क्रॉस। ओके, लेट अस क्विकली बिगिन विद द टेक्निक टू रिमेंबर द डायहाइब्रिड रेशियो। सो बेटा, इन द डायहाइब्रिड क्रॉस व्हाट वी ऑब्जर्व वाज phenotypic ratio was 9:3:3:1. Right? Okay. Where 9 was yellow round, 3 was yellow wrinkled, remaining 3 was green round, and 1 was green wrinkled. Now, this phenotypic ratio in a dihybrid cross is nothing but it is phenotypic ratio of two monohybrid cross. Monohybrid cross mein phenotypic ratio kitna tha beta? 3:1. So you imagine two monohybrid cross ka phenotypic ratio taken together. 3:1 multiplied by 3:1. Now see beta, 3 multiplied by 3 gives you what? 9. Then beta, 3 multiplied by 1 gives you what? 3. Then catch this, 1 multiplied by 3 gives you 3, and 1 multiplied by 1 gives you 1. So that is how we understand how the phenotypic ratio of dihybrid cross is derived. Next, then what we have seen is the genotypic ratio. Genotypic ratio ko याद रखने के लिए यू रिमेंबर 1 and 1. ओके, देन नेक्स्ट व्हाट यू रिमेंबर इज 4. नेक्स्ट व्हाट यू रिमेंबर इज 2 and 2 फॉलोड बाय 1 2 1 2. ओके, राइट? सो 1 and 1, देन 4 2 2 1 2 1 2. सो वी कॉल इट एज 1:2, 2:2, 4:2, 1:2, 2:2, 1:2, 2:1. Okay, now in this particular genotypic ratio, the starting wala 1 was nothing but it was the parental formula, capital Y, capital Y, capital R, capital R. And the last wala 1 was another parent formula, small y, small y, small r, small r. Next, यहाँ पे जो 4 आ रहा था ना, that was double hybrid, it was dihybrid, capital Y small y, capital R small r. Now how do we remember the formula for these two? Okay, now the technique for these two I will describe, pay attention beta. Okay, this was like, and this is okay, then this is small y, capital R, small r, and this becomes capital Y, small r, small r. Okay, now for remembering these two, okay, you remember the word as bada mix, yani dono alphabet bade aur fir baad mein mix. Then for remembering these two, you say mix bada. So, pehle do alphabet mix wale, phir baad mein ke do alphabet bade. Okay? So, bada mix, mix bada. Then see beta, chota mix, mix chota. Now, chota mix, chota yani, dono alphabet chota, aur mix yani, ek bada ek chota. So, that is chota mix. Then say mix chota. Yani, capital Y, small y, that is mix, aur phir chota. फिर बचता है बेटा 1 और 1. अब ये जो 1 है उसका फॉर्मूला व्हाट वी वर गेटिंग वाज कैपिटल वाई स्मॉल आर स्मॉल आर, और ये जो था दैट वाज स्मॉल वाई कैपिटल आर कैपिटल आर. तो यहां पर बोलने का बड़े से छोटा और यहां पर बोलने का छोटे से बड़ा. ये समझा सबको? ओके, सो आई रिपीट दिस टेक्निक वंस अगेन. जीनोटिपिक रेशियो में व्हाट यू हैव टू रिमेंबर इज वी गेट 1 and we get 1, then we get 2, 2, 4, 1, 2,
वन टू. ओके सो पहले ये रेशियो बाय हार्ट कर लो. अच्छा फिर ये रेशियो बाय हार्ट करने के बाद में फर्स्ट वाला वन जो था वो पेरेंट टाइप का फॉर्मूला था जहां पर सब कैपिटल अल्फाबेट से बेटा. ओके लास्ट वाला वन दूसरा पेरेंट था जहां पर सब स्मॉल अल्फाबेट थे. फिर ये जो फोर्थ था ना डबल हाइब्रिड था यानी दोनों तरफ से मिक्स आएगा बेटा. तो उसका फॉर्मूला कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर. अब मेन यहां से चालू होता है. देख ये जो टू है ना इसका फॉर्मूला कैसे याद रखें. तो इसके लिए बोलो बड़ा मिक्स. ना मैंने इसे बड़ा मिक्स तो पहला दो अल्फाबेट बड़ा फिर बाद में के दो अल्फाबेट मिक्स वाले. तो ये हो गया बड़ा मिक्स. फिर उसका उल्टा बोल मिक्स बड़ा यानी पहले दो अल्फाबेट मिक्स और बाद में के दो अल्फाबेट बड़ा. अब इसको बोल छोटा मिक्स यानी पहले दो अल्फाबेट छोटे और बाद में के दो अल्फाबेट मिक्स. और इसको बोलो मिक्स छोटा यानी पहले दो अल्फाबेट मिक्स और बाद में के दो अल्फाबेट छोटे. अब बचा क्या था बेटा सिर्फ वन और वन बचा ना. अच्छा इस वन के लिए हम लोग बोलते हैं बड़े से छोटा यानी पहले दो अल्फाबेट बड़े बाद में के दो अल्फाबेट छोटे. और इसको बोलेगा छोटे से बड़ा यानी पहले दो अल्फाबेट छोटे बाद में के दो अल्फाबेट बड़े. सो दैट इज हाउ वी रिमेंबर द डाइहाइब्रिड क्रॉस का फिनोटिपिक एंड जीनोटिपिक. एनीवे चलो नाउ लेट्स कंटिन्यू विद द नेक्स्ट पार्ट बेटा. फॉर टुडेस क्लास व्हाट वी आर गोइंग टू टॉक एक्चुअली इज सेक्स डिटरमिनेशन. Now, sex determination refers to gender determination. That means ki how nature has created boys and girls and humans, right? Okay, so how come the gender is determined? Now, it is so amazing that in reptiles, the gender is determined by the temperature. देखो हम ह्यूमंस में कैसा होता है ना जैसे बॉयज और गर्ल्स. सो बॉयज और गर्ल्स में डिफरेंशिएशन और डिटरमिनेशन कैसे होता है क्रोमोसोम्स के बेसिस के ऊपर. इट इज द टाइप ऑफ क्रोमोसोम्स व्हिच डिटरमाइंस योर जेंडर. ह्यूमंस में बॉयज विल हैव एक्स एंड वाई क्रोमोसोम्स एंड गर्ल्स विल हैव एक्स एंड एक्स क्रोमोसोम. सो क्रोमोसोम डिटरमाइंस द जेंडर. बट रिमेंबर स्टूडेंट्स रेप्टाइल्स में इट इज द टेम्परेचर दैट डिटरमाइंस द जेंडर. सो लेट्स से सपोज फॉर एग्जाम्पल अ रेप्टाइल लेट्स से क्रोकोडाइल. क्रोकोडाइल ने ना बहुत सारा अंडा दिया बेटा देखो ध्यान से. अब इनमें एक्चुअली एज सच देयर आर मेनी मोर थियरी. ओके वन सच थियरी सेज दैट वन सच कॉन्सेप्ट सेज दैट जो अंडा एक्सट्रीम्स ऑफ टेम्परेचर पे रहता है यानी एकदम गर्म टेम्परेचर और एकदम ठंडे टेम्परेचर को एक्सपोज होता है ना वो सारे के सारे मेल्स में डेवलप होते हैं. तो लेट अस से सपोज फॉर एग्जाम्पल बाहर ना बहुत ज्यादा धूप है. ओके तो ये तीन एग्स दे आर एक्सपोज टू हाई टेम्परेचर. तो ये तीन एग्स जब भी हैच होंगे ना तो इसमें से मेल विल कम आउट बेटा. इट विल बी अ मेल क्रोकोडाइल. नीचे की तरफ लेट्स से बहुत ठंडा है सो ये तीन भी जब हैच होंगे ना सो इट विल गिव राइज टू मेल. और ये तीन एग्स जो है जो मीडियम टेम्परेचर पे व्हेन दे विल हैच दे विल गिव राइज टू फीमेल. सो इजंट इट अमेजिंग दैट कि रेप्टाइल्स में कैसे ना द जेंडर इज डिटरमाइंड बाय टेम्परेचर. ओके सो द टेम्परेचर फ्लक्चुएशंस विल डिटरमाइन के आने वाला बच्चा मेल होगा या फीमेल होगी. नेक्स्ट इससे भी ज्यादा अमेजिंग बेटा व्हाट वी आर सपोज टू नो इज स्नेल्स दे कैन चेंज देयर जेंडर. हैव यू एवर वंडर्ड दैट यू वर बोर्न एज अ मेल एंड देन सडनली यू बिकेम फीमेल. हाउ सरप्राइजिंग. Sir, that is sex reversal surgery. हाँ, humans में we can do surgery and we can manipulate. But imagine naturally snails में ऐसा होता है. Okay, snails can change gender. Individuals here they can change their gender. Now let's say suppose for example, okay, there is a male snail. Okay, right? Now what happens is when this snail comes in contact, इनमें reproduction बहुत amazing है, बहुत ही अजीब है. Okay, so when they come in contact with each other by the sense of touch. When they touch each other and they recognize that they are of the same gender, then what happens is the older and the matured snail changes its gender. So let's say two male snails are coming in close contact with each other. Okay, then this is the older and the matured snail. So that suddenly changes its gender to female snail. Okay, so they can change their gender. Okay, so that is sex determination. However,
दिस इज जस्ट द इंट्रोडक्शन बेटा. आवर मेन टॉपिक फॉर टुडे इज वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमंस. ओके, नाउ वेरी इंपॉर्टेंटली वी हैव टू रिमेंबर दैट दिस सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमंस इट इज प्राइमरली बीइंग डन बाय क्रोमोसोम्स. It is chromosomes which determines the gender in humans. So let us have detailed knowledge about chromosomes. Now, chromosome mein first point that we are supposed to know is ki inside each cell we show presence of 46 chromosomes. Okay, you can also call it as 23 pairs of chromosomes. Now, out of these 46 chromosomes, 44 chromosomes are called as autosomes. And beta, remaining 2 chromosomes are called as sex chromosomes. Now, sir, what are autosomes? Autosomes are the chromosomes which controls bodily characters, general body characters. Whereas remaining 2 chromosomes are called as a sex chromosome because they determine your gender, they determine your sex. And these two sex chromosomes, for male it is XY and for females it will be XX. One extra point that you have to remember is amongst X and Y chromosome, X chromosome is longer than the Y chromosome. Ye yaad rakho, if you see the length of two chromosome, X chromosome is comparatively longer than the Y chromosome. Okay, well, so now let us see how the sex is determined in humans in terms of crossing. Okay, so we will follow the same pattern, beta. On the left hand side, we will write down P1 generation. You remember the full form? That is first parental generation. Okay, on top I will put the symbol of male, beta. Acha, ab humans mein male ke paas 44 autosomes hote hain. Okay, or दो सेक्स क्रोमोसोम कौन से एक्स और वाई वाले. सो आई विल राइट 44 प्लस एक्स वाई. ओके, सिमिलरली हियर वी विल पुट द सिंबल ऑफ फीमेल बेटा, दैट इज सर्कल विद अ प्लस साइन बिलो. अच्छा, फीमेल्स में आल्सो वी हैव 44 ऑटोसोम्स प्लस टू सेक्स क्रोमोसोम बीइंग एक्स एक्स, राइट. अच्छा, कोरिलेट दिस इंफॉर्मेशन, हर सेल के अंदर 46 क्रोमोसोम होगा. तो समझो ये मेल का एक सेल है, उसमें 44 ऑटोसोम्स है, यानी 44 क्रोमोसोम्स ये हो गए बेटा. फिर ये 45 और 46, यानी इस सेल के अंदर 46 क्रोमोसोम. और क्योंकि इस सेल के अंदर लास्ट के दो जो सेक्स क्रोमोसोम है वो एक्स वाई है, इसीलिए ये लड़का है. वैसे यहां पर भी 44 45 46 क्रोमोसोम हुए बेटा. सो यू फाइंड द लास्ट टू क्रोमोसोम्स एज एक्स एक्स, दैट इज द रीजन व्हाई दिस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म इज अ गर्ल. ओके, नाउ व्हेन दे आर क्रॉस्ड, दैट मींस व्हेन दे आर रिप्रोड्यूसिंग, व्हाट आइडियली हैपेंस इज the next step, gamete formation. अच्छा, gamete formation में ना बेटा इसको half half में split करो. So ultimately this will give you 44 का half will be 22 and 22, बराबर बेटा. So ये 22 और 22 में split हुआ, और x और y को अलग कर दो. So 22 plus x gets separated. And 22 plus y gets separated from each other, right, beta? So these are the two gametes which are formed. वैसे let us form the gametes in females as well. 44 को you will split as 22 and 22. And x and x को separate, beta. So here I get 22 plus x and 22 plus x. Now this gamete is formed because of a type of cell division which is called as meiosis. So meiosis is nothing but it is a type of cell division. And what does meiosis do? Meiosis reduces the chromosome number to half. So you see here there was 44 chromosomes, so it got reduced to 22. So this pattern of cell division is called as meiosis, remember that. Moving on, next, we are supposed to know that the male gamete is called as a sperm, right beta? Whereas the female gamete is called as ovum, also called as egg cell.
So these are ovum, also called as egg cell, and these are sperm. Now you notice that कि females में सारे के सारे जो ovum बनते हैं वो एक दूसरे की तरह ही होते हैं. They are same. Why? Because the formula is same. 22 plus X and 22 plus X. So I will say that females are homogametic. See the language beta. Now homogametic. Homo means same and gamete means reproductive cells. So all the reproductive cells of females have same composition, same formula. Whereas for the male, if you see, यहाँ पर 22 plus X है and here you see 22 plus Y. That means the composition, the formula is not same. So here we will say that sperms are heterogametic. Hetero means different and gametic means reproductive cells. So actually what happens in humans is, remember that males produce two types of sperms. One, sperms with X chromosome. Second, sperms with Y chromosome. ओके, तो हम इंसानों में मेल्स के जो स्पर्म्स होते हैं ना, दो तरह के होते हैं. कुछ कुछ स्पर्म्स के अंदर एक्स क्रोमोसोम होता है और कुछ कुछ स्पर्म्स के अंदर वाई क्रोमोसोम होता है. अब इसका अलग अलग पॉसिबिलिटी में कॉम्बिनेशन करके देखते हैं. सो नाउ नेक्स्ट व्हाट वी विल हैव इज कॉल्ड एज F1 जेनरेशन. F1 जेनरेशन फुल फॉर्म रिफर्स टू फर्स्ट फीलियल जेनरेशन. अच्छा, नो बेटा, यू टेक फर्स्ट फॉर्मूला एंड कंबाइन विद द फर्स्ट फॉर्मूला फ्रॉम दिस साइड. ओके, सो यहाँ का जो फर्स्ट है वो यहाँ वाले के फर्स्ट के साथ हम लोग कंबाइन कर रहे हैं. सो देखना, 22 प्लस 22 बिकम्स व्हाट बेटा, 44. एंड x प्लस x पुट टुगेदर विल राइट इट एज xx. सो आई गेट द फर्स्ट फॉर्मूला एज 44 प्लस xx. अच्छा, देन आई विल कंबाइन यहाँ का फर्स्ट वाला विद यहाँ का सेकेंड वाला फॉर्मूला. So I take the line from there and यहाँ का second वाले के साथ. Okay, now 22 plus 22 gives me again 44. X and X put together I will write it as plus XX. So again I get 44 plus XX, right beta? Okay, now take the second formula and combine with the first formula from this side. So second formula के नीचे से I will start. I am taking the second formula and then combining with the first formula from this side. 22 plus 22, 44. Y and X coming together, I will rearrange and write it as 44 plus XY. Now combine the second with second. The second formula, combining with the second formula. Check, what do we get? 44 plus XY. Now suppose this couple reproduces. Cross means reproduction. Okay, and suppose there are four children. Okay, now looking at their chromosome formula, you have to determine their gender. Now this child has got 44 autosomes and remaining two sex chromosomes are XX. So this child will be girl or boy beta? Girl, right? So this is daughter. You see the next formula is also same. So we will put a common naming word. So these are daughters. Okay, fine. Now check this XY and XY. So these two bachus will be male. So we will name them as son. Now from this entire cross, what do we learn? What do you conclude from the sex determination pattern in human? Number one, the first learning, the first take home message for this lecture is that if you see the chance for a bachchu to be boy or girl, I'm putting a question mark, is always a 50%. The chance for the bachchu to be boy or girl is always 50%. Now you see here beta, ki yahan pe in this particular cross what you see is ki whenever a bachchu is born, so bachchu is born from combination of male gamete with the female gamete. Suppose this combines with this, okay, right? So X and X will combine, so it will be girl. But suppose if this combines with this, okay, right, then it will be boy. So here what we see is out of four, two are daughter, two are son.
ओके तो सपोज अगर एक ही बच्चा होता तो 50% चांस ये बोलता है कि वो लड़का होगा और 50% चांस ये कहता है कि वो लड़की होगी। और ये 50% चांस किस पर डिपेंडेंट है कि वेदर एक्स वाला स्पर्म विल कंबाइन विद द फीमेल गैमेट और वाई वाला स्पर्म विल कंबाइन विद द फीमेल गैमेट। सो द चांस फॉर द बच्चू टू बी बॉय और गर्ल इज ऑलवेज 50%। नेक्स्ट, ऑलवेज रिमेंबर इन ह्यूमंस द सेक्स ऑफ द चाइल्ड is determined by father. Very important point. The sex of the child is determined by father. You see in this cross, mother, that is female, she has X and X chromosome. यानी mother जब भी अपना gametes बनाती है उसके gametes में हमेशा X chromosome होता है। So I'll put over here that mother has X and X chromosome. तो मदर जब भी गैमेट बनाएगी उसके सारे गैमेट्स में एक्स क्रोमोसोम होगा बेटा। अच्छा, अब फादर का सिचुएशन वैसा नहीं है। इन हाईफाई लैंग्वेज वी हैव बीन कॉलिंग इट एज हेटरोगैमेटिक कंडीशन। फादर हैज एक्स वाई क्रोमोसोम बेटा। ओके, सो फादर विल प्रोड्यूस टू टाइप्स ऑफ स्पर्म, सम ऑफ द स्पर्म्स विद एक्स क्रोमोसोम एंड सम ऑफ द स्पर्म्स विद वाई क्रोमोसोम। सो अब यहां हम लोग क्या देख रहे हैं कि मदर तो हमेशा अपना एक्स क्रोमोसोम दे रही है। सो अल्टीमेटली द मदर इज ऑलवेज गिविंग एक्स क्रोमोसोम। अब फादर का अगर एक्स वाला स्पर्म आके इसके साथ कंबाइन हुआ तो एक्स और एक्स मिलके लड़की हो जाएगा ना, तो दैट विल गिव राइज टू अ गर्ल चाइल्ड। और अगर फादर का समझो वाई वाला स्पर्म आके कंबाइन हुआ तो एक्स और वाई विल गिव राइज टू अ बॉय चाइल्ड। सो इफ यू सी, हम इंसानों में मदर ऑलवेज डोनेट्स हर एक्स क्रोमोसोम एंड इट इज द फादर का स्पर्म विच डिटरमाइंस द जेंडर ऑफ द चाइल्ड। Now, what do we learn from this point? Students, see, what we have to remember is, in many families, okay, right, there is a fixed idea that it is the female who determines the gender of a child. So, agar samjho, ek aurat agar ek ladki ko janam deti hai, okay, so aise bahut sare families mein aisa fixed ideas hai, wrong information hai unko, to unko kya lagta hai na, kyunki bachcha maa ke garbh se aa raha hai, since it is the uterus of the female where the child stays, that is why the gender of the child should be determined by the mother. So agar ek aurat ladki ko janam deti hai, so bahut sare parivaron mein log aisa mante hain ki ye ladki ka janam kiske wajah se hua, ye aurat ke wajah se, phir samjho wo dobara pregnant hui, wapas wo agar ladki ko janam deti hai, okay, to the family believes that ki ye aurat mein hi koi na koi khot hai, isme hi koi na koi problem hai, isliye bar bar ladki ko janam deti hai। बट यहाँ सबसे कमाल की बात यह है कि आने वाले बच्चे का जेंडर, ओके, वो लड़की होगी कि लड़का होगा, ये मदर डिसाइड नहीं करती, ये कौन डिसाइड करता है? फादर। सो कुदरती तौर पे, नेचुरल प्रोसेस पॉइंट ऑफ व्यू, इट डिपेंड्स कि फादर का विच स्पर्म कंबाइंस विद दी मदर का ओवम। इफ फादर का एक्स वाला स्पर्म कंबाइंस विद मदर का ओवम, सो इट विल बी अ गर्ल चाइल्ड। इफ फादर का वाई वाला स्पर्म कंबाइंस, देन इट विल बी अ बॉय चाइल्ड। So remember that ki whenever a female gives birth to a girl child over and over again, okay, right, it should not be thought upon that ki it is some defect in the female, that is the reason why she is giving birth to a girl child. One, second, do not differentiate gender, okay, farak mat karo, don't think that whether it is a girl child or boy child, don't think that ki whether it is ladki or ladka, okay, always think that it is your child. To create a life, it is an extremely amazing process, beta, which should be respected, and whatever the gender is, it has to be loved upon. Acha, last point that we have to remember is ki in many families, in many communities, people have irresistible desire for a male child. Okay, and in that particular thought process, what happens is lot of issues comes up in the family. So we will conclude our lecture by saying that ki you should not be differentiating between two genders. Okay. Whatever it is, whether it is a girl or a boy child, always remember it is your child. Okay? So, आप लोग इसका screenshot ले लो बच्चों। In the upcoming lectures, we are going to talk about evolution. Okay? So, stay connected to this channel and remember, biology is a fantastic subject. Read bio, bleed bio, live bio. Thank you, बच्चों।